मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। केमिस्ट्री में जो सबसे मुश्किल और स्कोरिंग चीज है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी होती है, न तो इसको याद किया जा सकता है और न ही सीख सकते आप प्रैक्टिस से। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद न करना पड़े, उससे बचने के लिए मैंने न्यू कंसेप्ट बनाया है। एक ऐसा न्यू कंसेप्ट जिसको जान जाए अगर आप, तो उसके बाद आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। आज की क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास एक ऐसी ट्रिक्स, एक ऐसे न्यू कंसेप्ट को मैं सिखाने जा रहा हूं, जिसको जानने के बाद 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आज ही सीख जाएंगे आप। सुनने में बात बड़ी अजीब सी लगती है, लगता है कि एक दिन में कोई 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे सिखा सकता है। लेकिन जब आप क्लास मेरी अटेंड करेंगे, तो क्लास करने के बाद आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि वाकई में राम सर ने हमें 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक दिन में सिखा दिया। तो बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, एक न्यू कंसेप्ट है जो किसी किताब में आपको नहीं मिलने वाला है, ना कोई अब तक सिखाया है ना सिखाएगा। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरह से सिखाता हूं कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो अब मैं इस ट्रिक्स, इस न्यू कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है क्या नहीं आता उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने जा रहा हूं, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और रिएक्शन केमिस्ट्री खास करके जहां पर ज्यादातर स्टूडेंट परेशान होते हैं, उससे आप बच जाएंगे। तो अब लेक्चर की शुरुआत होने जा रही है। अब आपको मैं ये सिखाने जा रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद न करना पड़े उससे बचने का उपाय क्या है। तो बच्चों बड़े ध्यान से सुनोगे और समझोगे। आपको ध्यान रखना है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी अगर हमें सी डबल बॉन्ड ओ दिखे, ध्यान से देखना अब इसको आप, ये एक ऐसी ट्रिक्स है, ये एक ऐसा न्यू कंसेप्ट है जो ना कहीं किसी किताब में मिलेगा, ना कोई अब तक सिखाया है, ना सिखाने वाला आपको। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद नहीं करना पड़ेगा। तो अब जो मैं बात करूंगा उसको बड़े ध्यान से सुनोगे और समझोगे आप। आपको ध्यान रखना है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी सी डबल बॉन्ड ओ दिखे, जहां भी हमें सी ओ दिखेगा, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे आप इसको। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी सी ओ दिखेगा, सिर्फ आपको ये डिसीजन लेना है कि सी ओ प्योर है या इम्प्योर है। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ऐसी चीज है जो कहीं किसी किताब में आपको नहीं मिलने, इसलिए ध्यान से देखेंगे। आपको ध्यान रखना है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी सी डबल बॉन्ड ओ दिखे, सिर्फ आपको यह सोचना है कि प्योर है या इम्प्योर है। अब आपके मन में बात आ रही है कि प्योर इम्प्योर के बारे में सोचे कैसे, सोचने का तरीका क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको सोचने का तरीका क्या है, इसके ट्रिक्स क्या है, उसको ध्यान से देखेंगे। हमने ये देखा कि सीओ के साथ जो ए और बी है, ए और बी को देखना आपको। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ए और बी के बारे में ध्यान रखना है, ए और बी की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इक्वल टू कार्बन हो, अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इक्वल टू कार्बन होगी, आपका जवाब होगा सीओ प्योर होगा। ठीक इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, आज से बोला जाए कि ए कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आज से बोला जाए कि बी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आज से बोला जाए ए और बी दोनों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ए और बी में कोई भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ए और बी में कोई भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो आपका जवाब होगा कि सीओ इम्प्योर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये अपने आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जिसका आपको ध्यान रखना है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बार बार आपको इसकी जरूरत पड़नी है। ये वाले जो ट्रिक्स है, ये वाला जो न्यू कंसेप्ट है, बार बार आपको इसकी जरूरत पड़नी है। तो एक बार अच्छी तरह से इसको मैं समराइज कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी सीओ दिखे,
सीओ को देखते ही सीओ के साथ जो डायरेक्ट एटम अटैच है इनको देखना आपको। आपने ये देखा कि सीओ के साथ जो ए और बी है, ए और बी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ए और बी के अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इक्वल टू कार्बन होगी आपका जवाब होगा सीओ प्योर होगा। ए और बी में से कोई भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा आपका जवाब होगा सीओ इम्प्योर होगा। अब बात आती है कि इस प्योर इम्प्योर वाली जो ट्रिक्स है इससे रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे बनती है, रिएक्शन केमिस्ट्री के बारे में सोचते कैसे हैं, सोचने का तरीका क्या है, ये सब बातें अभी हम लोग करेंगे। अब मेरी बात दो मिनट बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है आपके सिलेबस में, आपको ध्यान रखना है आपके सिलेबस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के रूप में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ध्यान से देखना आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के रूप में ये एटम्स आपको दिखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। ये ऐसे एटम्स हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के रूप में बिहेव करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमें ध्यान रखना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऐसे एटम्स हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के रूप में बिहेव करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो बार बार आपको इनकी जरूरत पड़ेगी जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह से आपको ध्यान रखना है अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के रूप में काम करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग सीओ के बारे में सोचेंगे प्योर इम्प्योर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एटम्स है जिनकी जरूरत पड़ती है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको ध्यान रखना होगा। इन बातों को दिमाग में रखते हुए प्योर इम्प्योर का हम लोग डिसीजन लेते हैं, इस बात का ध्यान है। तो मैंने आपको ये सिखाया कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी सीओ दिखे सबसे पहला डिसीजन हमें लेना है प्योर है या इम्प्योर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्योर इम्प्योर का डिसीजन लेते समय हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दिमाग में रखते हुए प्योर इम्प्योर का हम लोग डिसीजन लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जो मैं बात आपको समझा रहा हूं इसका मतलब क्या है ये जानना जरूरी है। किसी भी चीज का अगर मतलब समझ में आ जाए तो सोचना आसान हो जाता है, इस बात का ध्यान। अब इसका मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे आप। हमने ये देखा कि अगर हमें एक कंपाउंड दे दिया जाए कुछ इस तरह से CH3COOCH3, इस कंपाउंड को सभी लोग ध्यान से देखें। इस कंपाउंड को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर C डबल बॉन्ड O दिख रहा है। अब आपने देखा कि ये जो कंपाउंड है इसे CO दिख रहा है, CO के इधर कार्बन जो कार्बन के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CO के इधर ऑक्सीजन है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपने ये देखा कि सीओ के साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कोई आपसे पूछ ले कि ये वाला जो सीओ है प्योर है या इम्प्योर है, तो आपका जवाब होगा आप देखते ही बोल देंगे कि ये वाला सीओ इम्प्योर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई आपसे बात करे कि ये वाला सीओ किसकी वजह से इम्प्योर है, तो आपका जवाब होगा कि ये वाला सीओ इम्प्योर है ड्यू टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसकी वजह से इम्प्योर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमें मतलब मालूम चल गया कि सीओ को देखते ही कैसे डिसाइड किया जाए कब प्योर है कब इम्प्योर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है ये कुछ इंपॉर्टेंट एटम्स हैं जिनकी बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। इससे हमें ये आइडिया मिल गई कि ये सब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ए और बी के जगह इनमें से कोई दे दिया जाए तो आप देखते ही बोल देंगे सीओ इम्प्योर होगा, इनमें से अगर कोई नहीं दिया जाए तो देखते ही बोल सकते हैं सीओ प्योर होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिए आप। बार बार आपको प्योर इम्प्योर की जरूरत पड़नी है, इसलिए प्योर इम्प्योर के बारे में अच्छी तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि सोचने के तरीके क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कुछ इस तरह से, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए CH3COCH3, ध्यान से देखेंगे आप, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने ये देखा कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर सी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है। अब आपने देखा कि सीओ के इधर भी कार्बन है, सीओ के इधर भी कार्बन, दोनों ही कार्बन के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों ही कार्बन के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसको बोल देंगे कि प्योर होगा। तो इस तरह से आप ये सीख रहे हो कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी सीओ दिखे
देखते ही डिसीजन ले सकते हैं कब प्योर होगा कब इम्प्योर होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यू कंसेप्ट है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी हमें सीओ दिखे कैसे सोचा जाए कब प्योर होगा कब इम्प्योर होगा, इसको सोचने का तरीका आपको मालूम चल गया। एक चीज का और आप ध्यान रखेंगे, जब भी हमें प्योर इम्प्योर का डिसीजन लेना होगा, जहां भी हमें प्योर इम्प्योर के बारे में सोचना होगा, आप बस ये देखना कि सीओ के साथ जो ए और बी है, ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें देखना होता है पीरियोडिक टेबल में, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। आप देखना कि सीओ के साथ जो ए और बी है पीरियोडिक टेबल का कौन सा एलिमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, और जो भी एलिमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है या ज्यादा है, और इसको देख करके आप डिसाइड कर लेंगे प्योर होगा या इम्प्योर होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा तो आप बोल देना है इम्प्योर होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं जुड़ा हुआ है तो आप बोल देंगे प्योर होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपने डिसाइड कर लिया कि सीओ कब प्योर होगा कब इम्प्योर होगा, सोचने के तरीके क्या है इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। आप अगर आपसे बात की जाए कुछ इस तरह से, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए CH3COCl, इसको ध्यान से देखिए आप, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए इस तरह से। मैं इस कंपाउंड के बारे में आपसे जानना ही चाह रहा हूं कि ये वाला CO प्योर है या इम्प्योर है। आपने देखा कि CO के इधर कार्बन जो कार्बन के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CO के इधर Cl है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपसे बोला जाए प्योर है या इम्प्योर है तो आप देखते ही बोल देंगे कि ये वाला CO इम्प्योर होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो इस लायक मैंने आपको बना दिया है कि देखते ही आप डिसाइड कर सकते हैं कब CO प्योर होगा कब इम्प्योर होगा। कोई आपसे पूछ ले कि ये वाला CO किसकी वजह से इम्प्योर है तो आपका जवाब होगा Cl की वजह से इम्प्योर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपसे बात की जाए कुछ इस तरह से, आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए ऐसा, आपको कंपाउंड दे दिया जाए कुछ इस तरह से CH3COH, अगर आपको कंपाउंड दे दिया जाए इस तरह से, आपसे मैं बात करूं कि ये वाला जो CO हमने लिखा है ये वाला CO प्योर है या इम्प्योर है, इसके बारे में अगर आपसे बात की जाए, ध्यान से देखेंगे आप, हमने ये देखा कि CO के इधर कार्बन जो कार्बन के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CO के इधर हाइड्रोजन है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला कार्बन के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए आपका जवाब होगा कि CO प्योर होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपने ये सीखा कि अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन से तभी इम्प्योर बोलेंगे, ये कार्बन के बराबर था ये वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से आपका जवाब होगा CO प्योर होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कुछ इस तरह से, अगर आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए ऐसा, हमने ये सीखा कि ये भी एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर हमें CO दिख रहा है, CO के इधर H है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CO के इधर भी H है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपसे पूछ दिया जाए प्योर है या इम्प्योर है, आपका जवाब होगा CO प्योर होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो खास बात ये मैंने आपको ये सिखाया, अब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि CO को देखते ही आप डिसाइड कर सकते हो कब CO प्योर होगा कब CO इम्प्योर होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही स्पेशल ट्रिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू कंसेप्ट है, जिसको जानने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, इस बात का ध्यान रखेंगे। आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी CO दिखे, CO से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए, चाहे वो रिएक्शन केमिस्ट्री की हो या किसी भी टाइप की हो, सबसे पहला डिसीजन आपको लेना होगा प्योर है या इम्प्योर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्योर इम्प्योर को किस तरह से डिसाइड करते हैं, सोचने के तरीके क्या हैं, उसके लिए ट्रिक्स क्या है, उसके लिए न्यू कंसेप्ट क्या है, वो मैंने आपको सिखा दिया कि कहीं भी CO दिखेगा CO के साथ जो A और B है इसको देख करके आपको डिसाइड करना होगा कब प्योर होगा कब इम्प्योर होगा, इस बात का ध्यान रखें। अब 2 मिनट मेरी बात को बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। मैंने आपको ये सिखाया कि प्योर इम्प्योर का डिसीजन हमें कैसे लेना है, प्योर इम्प्योर के बारे में सोचना कैसे है, प्योर इम्प्योर वाली बातों को सीखने के बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन केमिस्ट्री को बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप लिख लोगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे।
अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं उसको ध्यान से देखेंगे। अब जो चीज आप अभी सीख रहे हो, जो न्यू कंसेप्ट आपने सीखा, इसके बारे में एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से देखेंगे। सीओ के बारे में आपको ध्यान रखना है कुछ इस तरह से, ध्यान से आप देखेंगे आप इसको। सीओ के बारे में जो मैंने अभी आपको सिखाया, सीओ के बारे में जो मैंने आपको समझाया, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कुछ इस तरह से। सीओ के बारे में आपको मालूम है, सीओ आपको दिखता है एल्डिहाइड में, सीओ के बारे में आपको मालूम है, सीओ आपको दिखता है कीटोन में, सीओ के बारे में आपको मालूम है, सीओ आपको दिखता है कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इस बात का ध्यान रखिए। जैसा कि आपको मालूम है एल्डिहाइड कीटोन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से, जहां पर बहुत सारे रिएक्शन केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां बहुत सारे रिएक्शन को पढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब बड़े बड़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनमें सीओ होता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, सीओ आपको दिखेगा एस्टर में भी, सीओ के बारे में आपको ध्यान रखना है, सीओ आपको दिखेगा एसिड एमाइड में। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से ध्यान रखेंगे। सीओ के बारे में आपको ध्यान रखना है, सीओ में दिखता है एसिड हैलाइड में भी, सीओ के बारे में आपको ध्यान रखना है, सीओ में दिखता है एनहाइड्राइड में भी, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं उसको ध्यान से देखेंगे। आपको ध्यान रखना है जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी में सीओ दिख रहा है। जैसा कि आपको मालूम है एल्डिहाइड में सीओ दिखता है, कीटोन में सीओ दिखता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में दिखता है, एस्टर में दिखता है, एसिड एमाइड में सीओ दिखता है, एसिड हैलाइड में सीओ दिखता है, एनहाइड्राइड में सीओ दिखता है। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां पर सीओ दिखेगा। कई महीने कोचिंग में, ट्यूशन में, स्कूल में इन्हीं की रिएक्शंस को आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। लेकिन मैंने एक ऐसी ट्रिक्स बता दी आपको, मैंने एक ऐसा न्यू कंसेप्ट बता दिया आपको, जिसको जानने के बाद अब आपको इनकी रिएक्शंस को याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपने ये देखा कि सभी में सीओ दिख रहा है, और सीओ के लिए आपको मैंने ट्रिक्स बता दी है। सीओ के लिए आपको एक न्यू कंसेप्ट मालूम चल गया है कि जहां भी हमें सीओ दिखेगा कुछ नहीं याद करना है, बस हमें ये सोचना है कि प्योर है या इम्प्योर है। प्योर इम्प्योर का डिसीजन लेंगे आप, अब प्योर इम्प्योर को डिसाइड करते ही सोच लेंगे कब और क्या करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनकी रिएक्शंस को हम लोग प्योर इम्प्योर वाली जो ट्रिक्स है, प्योर इम्प्योर वाला जो न्यू कंसेप्ट है, उससे हम लोग सारी चीजों के बारे में सोचेंगे, सारी चीजों को बिना याद किए लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो अभी मैंने आपको ये सिखाया कि प्योर इम्प्योर का डिसीजन कैसे लेना है, प्योर इम्प्योर को डिसाइड कैसे करते हैं कि कब प्योर होगा कब इम्प्योर होगा, सोचने का तरीका क्या है, वो मैंने सिखाया। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे, दो मिनट मेरी बात बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। अभी आपने ये सीखा कि प्योर इम्प्योर के बारे में सोचना कैसे, सोचने के तरीके क्या। अब बात आती है कि ये वाले जो ट्रिक्स है, ये वाला जो न्यू कंसेप्ट है, इससे रिएक्शन मैकेनिज्म बनती कैसे है, इसकी मैकेनिज्म बनाने के तरीके क्या है, इसकी बात आती है कि रिएक्शन मैकेनिज्म बनाते कैसे, सोचते कैसे, सोचने के तरीके क्या। तो असली जो चीज है, असली जो बात है, जो कि कहीं किसी किताब में नहीं मिलती है, जिसको जानने के बाद आपको रिएक्शन केमिस्ट्री को याद नहीं करना होगा, वो बात अब शुरू होती है, ध्यान रखेंगे। अभी तो मैंने आपको ये सिखाया कि प्योर इम्प्योर के बारे में सोचना कैसे, सोचने का तरीका क्या है। अब अगर हमें मालूम चल जाए कि सीओ प्योर है तब क्या करना है, सीओ इम्प्योर है तब क्या करना है, उससे मैकेनिज्म कैसे बनती है, ये सारी जो चीजें असली चीजें है, इसी को सीखना है, इसी को समझना है। यही सब चीजें किताबों में नहीं दी गई होती है, जिसकी वजह से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करना पड़ता है। तो असली जो बात है अब शुरू होने जा रही है, जिसको जानने के बाद आपको रिएक्शन केमिस्ट्री को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट वीडियो में
मैंने आपको ये सिखाया कि प्योर इम्प्योर के बारे में सोचना कैसे, सोचने के तरीके क्या है। 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी होती है जहां पर सीओ दिखेगा। कोई भी किताब आप अपनी उठाकर देखेंगे तो 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही सब चीजें आपको दिखती है। 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सीओ दिखता है, और सीओ वाली कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी, सिर्फ आपको ये डिसीजन लेना होगा कि प्योर है या इम्प्योर है, और उससे बड़े आसानी से आप सोच लोगे। अब कैसे आसानी से सोचते हैं, इसकी मैकेनिज्म कैसे बनती है, इसकी बात करेंगे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगी। फर्स्ट वीडियो में प्योर इम्प्योर को सोचने के तरीके को हमने सीखा, सेकेंड वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि इससे मैकेनिज्म कैसे बनती है, मैकेनिज्म बनाने के तरीके क्या है, इससे रिएक्शन केमिस्ट्री को बिना याद किए कैसे लिखते हैं, ये बात करेंगे हम लोग सेकेंड वीडियो में। तो बेटे सेकेंड वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, उसको देखना न भूलें। उसको देखने के बाद आप इस लायक बन जाएंगे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने की जरूरत नहीं होगी। सेकेंड वीडियो में मैंने ये सिखाया है कि इम्प्योर वाले कंपाउंड की मैकेनिज्म कैसे बनाते हैं। कोई भी इम्प्योर वाला कंपाउंड दिया जाए उसके बारे में कैसे सोचेंगे, सोचने के तरीके क्या हैं, प्योर वाला कंपाउंड दिया जाए तो उसकी मैकेनिज्म कैसे बनती है, रिएक्शन केमिस्ट्री को बिना याद किए कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें करेंगे हम लोग सेकेंड वीडियो में। इस बात का ध्यान रखेंगे, तो इसी से रिलेटेड सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट और सेकेंड वीडियो जब दोनों देखेंगे तब आप सीओ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी उसके बारे में सोच लेंगे, उसको आप कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में आपने ये देखा कि प्योर इम्प्योर के सोचने के तरीके क्या हैं। सेकेंड वीडियो में आप ये देखेंगे कि इससे हम लोग मैकेनिज्म कैसे बनाते हैं, जो न्यू कंसेप्ट वर्क कैसे करता है, न्यू कंसेप्ट को काम करने के तरीके क्या है, वो चीज हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सेकेंड वीडियो को आप जरूर देखें जिससे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने की जरूरत ना पड़े। तो इसके आगे बात करेंगे हम लोग सेकेंड वीडियो में, जिसको करने के बाद आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने से बच जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसके आपकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।